गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डन थ्री क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.5. व्हाई वी आर डूइंग लेस क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. एंड मेनी स्टूडेंट्स, एज माई एक्सपीरियंस इज, मेनी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फाइंड इट कन्फ्यूजिंग टू सॉल्व. That's why I will be taking less question in a day so that your doubts may be clear, okay? It may not go for the next day. Now see, we will start with question number 4. Today we will do question number 4 till 9 only, okay? In the next class, we will be completing this exercise. Question number 4, I took 5th part of it and see, minus 2x plus 5y minus 3z, we at its whole square. And they are asking us to expand it. Expand means you have question in the form of a number. We have to expand. That means we have to make use of identity here. So this is looking very similar to this identity, x plus y plus z whole square. In place of x, what we have? Minus 2x. In place of y, what we have? 5y. In place of z, what we have? Minus 3z. And this was the right hand side. Put the value in place of x, in place of y, in place of z. In this step, simply I put the value. In the next step, you will solve. Minus 2x whole square will give you 4x square. 5y square will give you 25y square. Minus 3z square, negative base power is even, will give you positive. Multiply this 2. Plus minus, sign will be of minus. 2 2 4, 5 20. Likewise, you have to solve. This question is, I just tried to took because the sign were different. Don't think that this will not be suitable in this identity. Just take care of the sign. Taking care of the sign is important. Okay, make use of identity properly. Try all other parts of question number 4. Let me know your doubts if they are there. Okay, question number 5, factorize. I told you factorize means your question is in the form, in expanded form. You have to make this answer in the compact form. Expanded form is given, we have to make our answer in short. See, it is really very important. Ye question thoda sa different hai, question bachcho ko isme difficulty bilkul aati hai. Sabse pehle hum isko pure ko compact form mein band karna hai, ek bracket ke andar. 2 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है? रूट 2 का. जब आप रूट 2 को ओपन करेंगे ना, रूट 2 का स्क्वायर जब आप ओपन करते हैं तो वो 2 देगा. इसके लिखने का तरीका देखिए, बस यही लाइन इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है. अगर ये आपको आ गया तो पूरे क्वेश्चन में, पूरी फिफ्थ क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी. देखो मैंने 2 को कैसे लिखा है, रूट 2 एक्स का होल स्क्वायर. मैंने इसको बंद करने की कोशिश की है इस 2 को. ये किसका स्क्वायर बन सकता है? रूट का. रूट को देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं होता है. ये क्वेश्चन रियली बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं. y के साथ कुछ था नहीं तो हमने कॉम्पैक्ट फॉर्म में बंद नहीं किया. अब देखो 8 को लिखने का तरीका कैसा है, 2 रूट 2. अगर मैं 2 रूट 2 का स्क्वायर निकालती हूँ, 2 रूट 2 का स्क्वायर, इसका मतलब 2 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रूट 2. 2 2 जा तो क्या हो जाता है, 4. और रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 तुम्हें क्या देगा, 2. और तुम्हारा क्या बन जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8. क्या तुम्हारा 8 नहीं बन गया अगर तुम 2 रूट 2 के स्क्वायर को ओपन करोगे? बस ये चीज समझ आनी चाहिए. ये चीज थी इसमें कि 2 को रूट 2 कैसे बना दिया, 8 को 2 रूट 2 कैसे बना दिया, ये इंपॉर्टेंट था. उसके बाद माइनस का साइन एज इट इज, क्योंकि ये स्क्वायर का क्वेश्चन तो हर जगह देखो हम 2 अपने आप से लेके आएंगे. 2 2 2 ये 2 हम अपने आप से लेके आए क्योंकि ये क्वेश्चन स्क्वायर का था. अब 2 के साथ एक्स वाई की टर्म थी तो इसके साथ भी हम सिर्फ अपनी एक्स और वाई की टर्म को ही लेके आएंगे. एक्स की कौन सी टर्म है हमारे पास, रूट 2x, मैं वो ले आई. वाई अकेला था तो सिर्फ वाई आ गया. अगली टर्म देखो वाई जेड की है, 2 तो ये आएगा क्योंकि स्क्वायर का क्वेश्चन है. वाई अकेला था तो अकेला, और जेड की जगह पे हमारे पास क्या है, 2√2z. अब यहाँ पे माइनस का साइन, सॉरी यहाँ पे साइन माइनस का आएगा, साइन विल बी ऑफ माइनस. यहाँ पे 2, 2 कहाँ से आया, क्योंकि क्वेश्चन स्क्वायर का था, डिग्री 2 थी, तो ये 2 तो हर जगह पे फिक्स है. x और z, और x की जगह पे हमारे पास कौन है, रूट 2x, और z की जगह पे हमारे पास कौन है, 2 रूट 2z. बस वो पुट किया है. ये स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है तो देखो ये क्वेश्चन था, ये स्टेप अगर आपने किया तो सीधा 3 नंबर आपके पूरे कंप्लीट मिलेंगे. अब एक चीज देखो, हमें कैसे पता लगेगा कि ये किसकी आइडेंटिटी बंद हुई? आइडेंटिटी बंद होने के लिए आपको इन 3 का पता होना जरूरी था बस. बाकी सब तो देखो आपकी नॉलेज चेक की जाती है कि आपको करना आता है या नहीं आता. आंसर आपका ये तीनों दे देंगे.
बट एक चीज का और ध्यान रखें, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं नेगेटिव कहीं पॉजिटिव टर्म होती है, तो आंसर सारा का सारा तो पॉजिटिव होगा नहीं, दैट मीन्स कुछ तो नेगेटिव होगा। अब हमें चेक करना है एक्स वाई जेड में से कौन नेगेटिव होगा और कौन पॉजिटिव होगा। इस क्वेश्चन में देखो एक्स और वाई, इसका मतलब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ये बता देगा आपको, ये करेगा आपकी बिग हेल्प। वाई और जेड दोनों के दोनों क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव, और वाई और जेड को मैंने लिखा दोनों को पॉजिटिव, और एक्स को मैंने क्या लिखा नेगेटिव, क्योंकि एक टर्म तुम्हारे पास नेगेटिव होना जरूरी है। एक्स और वाई में से एक नेगेटिव था और दूसरा पॉजिटिव था, वाई और जेड तो इसने बता दिया हमें कि वाई और जेड तो भाई दोनों पॉजिटिव है, दोनों कर दिया, एक्स नेगेटिव था, ये यहां से आ गया देखो माइनस रूट टू एक्स वाई एज इट इज रूट टू जेड का होल स्क्वायर। ये थी एक्सपेंडेड आइडेंटिटी, तुमने कर दिया उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में। फैक्टराइज का यही मतलब बताया था मैंने प्रीवियस क्लास में कि तुम्हें क्या करना है, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लेके आना है। ये क्वेश्चन था जो बाकी के आज क्वेश्चन में से थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था, बाकी सब में डायरेक्ट आइडेंटिटीज पुट होंगी, सॉल्यूशन आप करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन मैंने लिया, सिक्स्थ क्वेश्चन सिंपल था, 3/2x + 1 का होल क्यूब, आइडेंटिटी कौन सी बेस्ट सूट हो रही है, x + y का होल क्यूब, राइट हैंड साइड में लेके जाओ। आइडेंटिटी आप लोगों को लर्न हो चुकी है, जिनको नहीं है हो जानी चाहिए बेटा, बिकॉज बिना आइडेंटिटी के बार बार पेज ही पलटते रह जाओगे। यहाँ पे देखो मैंने वैल्यूज को पुट किया राइट हैंड साइड में, x की जगह पे क्या है 3/2, सॉरी मैं यहाँ पे आऊंगी 3/2, यहाँ पे मैंने राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट की है, ये वाले पूरे स्टेप में वैल्यू पुट हुई है, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। 3/2 का क्यूब 27/8 होता है, यहाँ पे सोल्व करते जाओ 9/2x आ गया, 9/2 एक बार 3/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। आप अपने आंसर को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, अगर बेस्ट ही चाहिए आंसर में तो रीअरेंज कर लो, डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर ले आओ, पहले x^3, फिर x^2, फिर x^1 और फिर x^0, दैट मीन्स विदाउट x, ये रीअरेंज किया है बस। दिस क्वेश्चन वॉज ऑल्सो वेरी इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एक्सपैंड करना है, दैट मीन्स आइडेंटिटी का यूज करके उसको बढ़ाना है। 99 पे कोई आइडेंटिटी बेस्ट सूट नहीं करती हम, बट हम 99 को 100-1 का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब ये आइडेंटिटी कौन सी आ जा रही है इसके साथ, कौन सी बेस्ट सूट हो रही है, कौन सी मैच कर रही है, x - y का होल क्यूब। बी पार्ट इसका 102 होल क्यूब, 102 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 100+2, आइडेंटिटी कौन सी मैच हो रही है, x + y का होल क्यूब। रखो आइडेंटिटी, एक्स के प्लेस पे 100 रखोगे, वाई के प्लेस पे 2 रखो, सॉल्व करो, सी इजिली आंसर यू विल गेट। 998 कैसे लिख सकते हैं, 1000-2, आइडेंटिटी कौन सी बेस्ट सूट जा रही है, x - y का होल क्यूब। सिंपल, दिस क्वेश्चन आई डिड नॉट सोल्व, आई लेफ्ट दिस क्वेश्चन फॉर यू टू सोल्व। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। सेम यू हैव टू फैक्टराइज, फैक्टराइज मीन आइडेंटिटी ओपन्ड फॉर्म में एक्सपेंडेड फॉर्म में उसको कॉम्पैक्ट करना है। पहले तो इसको पूरे को एक ब्रैकेट में क्लोज करने की कोशिश करते हैं, ये बन जाएगा 3p का होल क्यूब, ये बन जाएगा 1/6 का होल क्यूब, ये बन जाए। अब देखो क्योंकि ये 3 वाला है तो देखो मैं कैसे यहाँ पे क्या लेके आ रही हूँ, मैं 3 मल्टीप्लाई बाय इसके साथ ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी, p वाली टर्म सिर्फ p स्क्वायर, दैट मीन्स इसके साथ होगा आपका 3p कहाँ से आया आपके पास, यहां से आया है, p का मतलब है इस टर्म का होल स्क्वायर, और ये वाली टर्म आ जाएगी एज इट इज, सेकंड वाली टर्म। यहाँ पे p का स्क्वायर था ना, p का स्क्वायर, और p के प्लेस पे कौन है हमारे पास, ये, तो हमने इसका स्क्वायर किया और 1/6 को एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में प्लस का साइन, 3 आप यहाँ पे भी लेके आओगे। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे 3 क्यों यूज कर रहे हैं और पिछले क्वेश्चन में हमने 2 क्यों यूज किया, और यहाँ पे क्योंकि p का स्क्वायर था तो मैंने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर किया, सेकंड को सिंगल छोड़ा, और यहाँ पे क्योंकि p सिंपल है तो मैं देखो p को सिंपल लिख रही हूँ और सेकंड टर्म का मैं स्क्वायर करूंगी। बस ये स्टेप था इसमें समझने वाला। अब कुछ नहीं करना आपने, ये किसका क्यूब बन जाएगा, यहां से ये दो नंबर उठा लो बस, 3p - 1/6 का होल क्यूब।
ये स्टेप सिर्फ दिखाने के लिए होता है, सिर्फ टीचर को बताने के लिए कि आपको पता है अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में आइडेंटिटी पड़ी है आपके पास तो आप उसको कैसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में रखोगे। अदरवाइज आंसर देने के लिए ये दोनों ही नंबर आपके पास इनफ थे। 3p यहाँ से आ गया, 6 यहाँ से आ गया आपके पास, इसका मतलब ये किसकी आइडेंटिटी बनेगी, ये 3p-1/6³ की आइडेंटिटी बनेगी। सेम सारे क्वेश्चन में थोड़ा सा यही पार्ट एक डिफिकल्ट लगा मुझे, सो आई टुक दिस पार्ट एंड आई लेफ्ट। रिमेनिंग क्वेश्चन फॉर यू बहुत ईजी है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, डाउट्स हैं तो बिल्कुल क्लियर करने हैं डे टू डे। ओके, एक बार 9th क्वेश्चन देखे, 9th क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको वेरीफाई करना है 9th क्वेश्चन में। x³ + y³ = x + y (into) आइडेंटिटी है ना आपकी, ये इस आइडेंटिटी को भी लर्न कर लेंगे, प्लस वाई स्क्वायर, बहुत जगह ये आइडेंटिटी यूज होगी, 10th में भी यूज होगी, 9th में तो बिल्कुल होगी। नाउ सी, हम एक टेबल बनाएंगे अपनी इस तरीके से, यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे हम अपना लिखेंगे राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ हमारा है x³ + y³, और राइट हैंड साइड को हम टच नहीं कर रहे, वो हमारा x + y (x²) - xy + y²। हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड पर फोकस करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते करते हम अपनी राइट हैंड साइड के इक्वल ले आएंगे, आइडेंटिटी का यूज करते हैं, आइडेंटिटी x + y³ = x³ + y³ + थोड़ा कंजस्टेड हो रहा है स्टूडेंट्स, बट आपको आइडेंटिटी आती है तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसको विजिबिलिटी नहीं दे रही हूँ। x + y³ = दिस, x³ + y³ को वहां पे छोड़ के बाकी सबको इधर शिफ्ट करो तो उधर कौन बच जाएगा, x³ + y³, और वहां पे क्या हो जाएगा, x + y³, और इसके पास कौन आ गया देखो, -3xy, साइन चेंज कर रही हूँ बेटा, जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट, अगर ये 3xy उधर जाएगा तो इट विल द साइन विल बी चेंज्ड ऑफ इट। अब x + y इसके पास भी, x + y इसके पास भी है, मैं कॉमन निकाल रही हूँ x + y, जैसे आप उसमें करते थे, 3 पावर में से 1x + y जा चुका है, अंदर क्या बचेगा 2 पावर्स, माइनस यहां से सिर्फ क्या बचेगा 3xy, x + y, आइडेंटिटी ओपन करो बेटा यहां पे, ax² + y² + 2xy और माइनस का 3xy साथ साथ चलेगा। अब x + y (x²) - 3 + 2 - xy, isn't it our right hand side, यही हमारी right hand side है, just see x + y (x²), थोड़ा rearrange आप कर सकते हैं, आप चाहे तो -xy को उधर लेके जा सकते हैं, x² + y² - xy, मैंने इस तरीके से किया, आप चाहो तो -xy को आप बीच में इंसर्ट कर सकते हो, ये हमारी राइट हैंड साइड है, यही प्रूव करना था। x³ + y³ को आपको किसके इक्वल प्रूव करना था, इसके इक्वल, वेरी सिंपल, बस इसके सेकंड पार्ट में यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, सेम प्रोसीजर के साथ आप चलेंगे। आई होप, मैंने बहुत कोशिश की है इस एक्सरसाइज को इजी बनाने की आपके लिए, बट एक या दो क्वेश्चन करके नहीं छोड़ना है, हर क्वेश्चन ट्राई करना है आपको इस एक्सरसाइज का। आई होप दिस टुडेज क्लास इज रियली वेरी फ्रूटफुल फॉर यू, थैंक यू सो मच।